हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। तो हमारा चैप्टर है विलयन और आज का टॉपिक है आपका कि क्वथनांक उन्नयन एवं हिमांक उन्नयन के बीच संबंध, दोनों में क्या संबंध है इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ चूंकि चूंकि डेल्टी बी इक्वल के बी इंटू ए इंटू 1000 बाय बी इंटू एम। ठीक है, ये आपका क्वथनांक उन्नयन है और फिर इस प्रकार से देखिए डेल्टी बी इक्वल ये जो के बी है या डेल्टी बी के बटे में चलेगा के बी इक्वल ए इंटू 1000 बाय बी इंटू एम, ये आपका समीकरण वन हो गया, ये समीकरण वन हो गया, ये क्वथनांक उन्नयन के लिए है। फिर इसी प्रकार से देखते हैं हिमांक अवनमन के लिए, तो डेल्टी एफ इक्वल चूंकि डेल्टी एफ इक्वल के एफ इंटू ए इंटू 1000 बाय बी इंटू एम, डेल्टी एफ इक्वल एक के एफ जो है वह डेल्टी एफ के बटे में आ जाएगा और यहाँ पे आपका ए इंटू 1000 बाई बी इंटू एम हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण टू हो गया, ये हिमांक अवनमन के लिए हो गया समीकरण टू। तो फिर जब इन दोनों को हम मिलाते हैं, मतलब देखिए समीकरण एक एवं समीकरण दो से समीकरण एक एवं समीकरण दो देखेंगे, इसमें देखिए जो ए इंटू 1000 बाई बी इंटू एम और इसमें भी है तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो फिर आपका देखिए एलएचएस, देखिए एलएचएस आपका डेल्टी बी बटे के बी इक्वल डेल्टी एफ बाय के एफ, तो ये आपका संबंध प्राप्त हो गया कि डेल्टी बी बाय के बी इक्वल डेल्टी एफ बाय के एफ, जो क्वथनांक उन्नयन है वह हिमांक अवनमन के बराबर है। फिर यहाँ देखिए डेल्टी बी इक्वल डेल्टी एफ बाय के एफ, ये के बी है यहाँ पे इंटू में आ जाएगा। तो इसका इस प्रकार से भी बता सकते हैं कि ये भी एक संबंध है, तो क्वथनांक उन्नयन एवं हिमांक अवनमन के बीच यही संबंध है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं और फिर जो डेल्टी बी है वो इक्वल डेल्टी एफ बाई के एफ इंटू के बी के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक जलीय विलयन -0.186 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। ठीक है, के एफ और के बी के मान क्रमशः 1.86 और 0.512 है, तो क्वथनांक उन्नयन ज्ञात करें। इसमें आपका क्वथनांक उन्नयन ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है और देखिए क्या क्या दे दिया है इसके बारे में। पहले देखिए जलीय विलयन का हिमांक, पहले जलीय विलयन का हिमांक आपको दे दिया है -0.186 डिग्री सेल्सियस, फिर इस प्रकार से के एफ का मान दे दिया है यानी कि हिमांक स्थिरांक का मान दे दिया है 1.86 यहाँ देखिए, और फिर के बी का मान, के बी का है 0.512 और इसी प्रकार से डेल्टी बी, और डेल्टी बी का मान आपको ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए डेल्टी डेल्टी एफ इक्वल विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो डेल्टी एफ इक्वल 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.186, जब इसको माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.186 डिग्री सेल्सियस, तो जो डेल्टी एफ का मान आपका आएगा यहाँ 0.186 डिग्री सेल्सियस आएगा,
क्योंकि जीरो को ऐड करेंगे तो कुछ घटेगा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि डेल्टी वी इक्वल डेल्टी एफ बाई के एफ। यहाँ देखिए डेल्टी एफ बाई के एफ इंटू के बी, और देखिए डेल्टी वी। तो यहाँ पे हम इस सब के मान को पुट करते हैं, पुट करने के बाद जो आपका आंसर होता है 0.186 बाई 1.86 इंटू 0.512, सबके मान को पुट कर दिए और आपका आंसर आ गया 0.0512 डिग्री सेल्सियस, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है कि विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म समानुपाती विलय के कणों की संख्या। जो विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म होता है वह कणों की संख्या के समानुपाती होता है। इसी प्रकार से अनुसंख्य गुणधर्म जो है वह समानुपाती 1/ विलय का आणविक द्रव्यमान और सामान्य आणविक द्रव्यमान। अब सामान्य आणविक द्रव्यमान क्या है इसके बारे में देखते हैं। कुछ स्थितियों में विलय के प्रायोगिक मान एवं सैद्धांतिक मान में भिन्नता आ जाता है। कुछ स्थिति में विलय के प्रायोगिक मान एवं सैद्धांतिक मान में भिन्नता आ जाती है। देखिए ये आपका प्रायोगिक मान है, ये सैद्धांतिक मान है, इस दोनों में भिन्नता आ जाती है, तो जिसे विलयन का असामान्य मोलर आणविक द्रव्यमान कहते हैं। वांठक गुणक, किसी भी विलयन के प्रायोगिक अनुसंख्य गुणधर्म एवं सैद्धांतिक अनुसंख्य गुणधर्म के अनुपात को वांठक गुणक कहते हैं। इसका फॉर्मूला, इसे हम आई से सूचित करते हैं। आई का मतलब इसको देखिए आयोटा भी कह सकते हैं, इसे आयोटा से या फिर आई से सूचित करते हैं। वांठक गुणक इक्वल आपका फॉर्मूला होता है प्रायोगिक अनुसंख्य गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अनुसंख्य गुणधर्म, ये वांठक गुणक का फॉर्मूला है। एग्जाम्पल है आई इक्वल प्रायोगिक प्रसारणी दाब बटे सैद्धांतिक प्रसारणी दाब। तो देखिए प्रायोगिक प्रसारणी दाब आपका पाई होता है और सैद्धांतिक प्रसारणी दाब पाई नोट होता है, तो इसके अनुपात ये आपका पाई बाई पाई नोट हो गया। फिर नेक्स्ट है विहिमीकरण। अब है कि विहिमीकरण क्या होता है इसे देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें किसी जमे हुए द्रव को पिघलाया जाता है उसी को विहिमीकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ द्रव होते हैं जिसको पिघलाया जाता है, जैसे कि बर्फ, बर्फ हो गया आपका। एग्जाम्पल देखिए NaCl CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एवं सोडियम क्लोराइड विहिमीकारक है जिसका प्रयोग सड़कों पर जमे हुए बर्फ को हटाने में किया जाता है। सड़कों पर जमे हुए बर्फ को हटाने के लिए किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।